शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक ठीक बता दे, कौन हो तुम? वरना मालकिन, चंपा जैसी गरीब मामूली खाना बनाने वाली अभागन के अलावा और क्या हो सकती है? दिन रात चूल्हे में तप करके मेहनत करके आपके लिए खाना बनाते हैं, जिससे आपकी सेहत बनी रहे, आप डॉक्टर की गोली से दूर रहें, और आप बदले में हमें ही गोली खिला रही हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? आप मालकिन हैं, जो कर सकती हैं आप ही कर सकती हैं। ये सब तो समझ में आ गया, लेकिन ये बच्ची तुम्हारे हाथ में कैसे और क्यों है? मालकिन, ऐसे आज तक खाना खाने के बाद सबको बेहोश होते हुए नहीं देखे हैं। वो देख के हम बहुत बहुत घबरा गए, इसीलिए अपनी और बच्ची की जान बचाने के लिए उसे उसे सुरक्षित जगह पर लेके जा रहे थे। सबके सब लमलेट कैसे हो गए? एक खिलाई है सबको जहरीला खाना और फिर सबके सब बेहोश हो गए। मैडम, ये तो हम ठहरे जो तुम्हारी ये कहानी सुन ले रहे हैं, वरना कोई और होता तो। लेकिन जब हमें तुम्हारी इस बकवास कहानी पे भरोसा ही नहीं है, तो हम तुम्हें गोली से ही उड़ा देंगे। अरे मैडम जी, ये क्या कर रही हैं आप? इस तरह बात बात पे बंदूक नहीं ताना करते, कितनी बार समझाएं आपको? मैडम जी, अगर इसी तरह धीरे धीरे करके आप एक एक आदमी को मार देंगे अपने, तो बाहर के जो दुश्मन है उनसे कैसे लड़ेंगी? हमसे ज्यादा वफादार आपको ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। हमारी वफादारी हमारे खाने में दिखाई देती है। हम भला काहे के लिए खाने में कुछ मिलाएंगे? जो सामान रसोई में था हम उसी से खाना बनाए हैं। ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या, चलो अंदर। ना किया था अंदर कूदने को, पर ये अभी भी ना। तो हम कह रहे थे मैडम जी, वहाँ कानून आई है, माँ भवानी खुद आपकी रक्षा कर रही हैं। चलो पहले रसोई में छुपे हुए राज तो देख लें। चलो आओ।
चलो चलो। देख लीजिए यहाँ हमारा कुछ सामान अपना नहीं है, जो है आप ही की रसोई से इस्तेमाल किए। देखिए हमारा अपना कुछ नहीं है। अरे रे, अब मैडम जी जो भी था इसी में था। और चंपा रानी, तुम्हारी बुद्धि कौन और डिब्बे में बंद है? हाँ, ये देखी नहीं? मैडम जी, पुराना माने तो एक बात कहें, दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग जिनकी हम जिम्मेवारी लेते हैं, और ही उनमें से एक है। ही ऐसा गलत काम नहीं कर सकती। मालकिन, ये बुढ़िया के अब दिन ही कितने बचे, जो आपसे बेईमानी करके हम नरक का दरवाजा खोलेंगे, आपसे खतरा काहे मोल लेंगे मालकिन? लेकिन ये जो कुछ भी है ये हम नहीं किए, और हमको तो यहाँ आए हुए खाली दो ही दिन हुए। हो सकता है ये आपके पुराने महाराज होंगे, वो किए होंगे। अब जमाना ठीक नहीं है मालकिन, आपका कोई दुश्मन भी हो सकता है। ये पूरा का पूरा राशन बदलवाओ, रात के 9 बजे हमें यहाँ पे खाना तैयार चाहिए, वरना तुम दोनों की खैर नहीं। जी जी मैडम जी। अभी भी ऐसा चेहरा क्यों है तुम्हारा? श्रद्धा और सिया को वापस नहीं लाए तुम? ला सकता तो ले आता ना। अरे क्या मतलब है अबे? तुम तो पूरी तैयारी के साथ गए थे, तो फिर हुआ क्या? बेटा ठंडी सांस ले और बता क्या प्रॉब्लम है, हम कुछ कर सकते हैं? कोई कुछ नहीं कर सकता पापा, हमारी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। श्रद्धा जब सिया के साथ निकलने लगी तो गुलाबों ने उन दोनों को पकड़ लिया। क्या? पता नहीं कौन से जन्म का पाप है कि हमारी परीक्षा खत्म ही नहीं हो रही। दया करो माता रानी। अब है श्रद्धा और सिया दोनों ठीक तो है ना? जी ताई जी, श्रद्धा ने समझदारी दिखाते हुए हालात को बिगड़ने से बचा लिया। मुझे तो गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि सिया बस घर आने के करीब थी। और तुम ये बताओ कि वरुण जी कैसे, वो ठीक है ना? अरे तुम्हारे तमाशे के चक्कर में ना कहीं उनके साथ भी नहीं कुछ। क्या हो तुम, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है क्या? मेरी पत्नी मेरी बच्ची की जान खतरे में और तुम अपना लेकर बैठे। तुम्हारी तरह हमें भी फिक्र है अपने पति की। तुम्हारे तमाशे के चक्कर में ना आज उनकी जान को खतरा है। और अगर तुम भूल गए हो तो तुम्हें याद दिला देती हूँ, गुलाबो घर पे आके बंदूक की नोक पे सबको धमकी देकर गई है। तो मेहरबानी करके ना तुम... इस वक्त हमें सिर्फ इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जो लोग वहां फंसे हैं उन्हें बाहर कैसे निकाले। तब तक हम सबकी जान को खतरा है, हम सब शांति से सोचते हैं। माफ कीजिएगा ताई जी, पर ये हाथ पे हाथ रखने से सोच रहे थे कुछ नहीं होने वाला, अब करने का वक्त है। अब मैं मेरी सिया का और इंतजार नहीं कर सकता, जरूरत पड़ी तो मैं उस गुलाबों को ही मार दूंगा। Thank you.
और अब हमारी सिया घर वापस आकर रहेगी। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।